फिलहाल हम लोग अभी पहुंच चुके हैं भारत के सबसे ऊंची मीनार पे, और गाइस आप देख पा रहे हो व्यू काफी लाजवाब आ रहा है। बादशाह शाहजहां ने ख्वाब में देखा कि यहाँ पे हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे वजू किया था। तो जी गाइस, यहाँ से आपको सामने में लाल किला दिखता होगा, कितना नीचे में है वो भी आप देख सकते। तो जी गाइस, फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज योर आसिफ राजा एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग होने वाला है ना, वो काफी जबरदस्त होने वाला है। और गाइस आपको बता दें कि आज का ब्लॉग जामा मस्जिद न्यू दिल्ली का होने वाला है। तो जी गाइस, इस वाले वीडियो में जामा मस्जिद दिल्ली के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आईडी आ रही होगी। तो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग जामा मस्जिद पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग चलेंगे गेट नंबर 2 से जामा मस्जिद अंदर। तो जी, गेट नंबर 2 से इन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। ये पहला मीनार है जो गेट नंबर 2 से है। तो अंदर चलेंगे और आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देंगे, बहुत सारे कुछ इतिहास भी बताएंगे आप सबको, जो आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं भी जानते भी होंगे। तो आप देख सकते हो ये गेट नंबर 2 का व्यू है और आगे में मीना बाजार लगता है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो पहले चलते हैं जामा मस्जिद। तो जी, यहाँ पे आने के बाद आपको शूज, स्लीपर्स जो भी हैं यहीं पे उतारना पड़ेगा, और यहाँ पे कुछ देखने के लिए है भी, तो इन्हें आप 5-10 दे भी सकते हो। तो चलते हैं। तो जी, यहाँ पे आपको शूज जमा कर देना है, वहाँ पे भी जमा हो रहा है, और आप अंकल को अपने हिसाब से 10 रुपये दे भी सकते हो। यहाँ पे एक टिकट काउंटर है, ये फॉरनर लोग का है, यहाँ पे फॉरनर लोग के लिए टिकट है। तो हम लोग अंदर चलते हैं। तो जी, यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है, जामा मस्जिद का इतिहास भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। फिलहाल अभी हम लोग 2 नंबर गेट से जामा मस्जिद में इन कर चुके हैं, और सामने में आप देख सकते हो जामा मस्जिद। और आपको बता देगा इस कि हम लोग 2 नंबर गेट से आए हैं, और ये जो गेट नंबर है 3 है, और इधर गेट नंबर 1 है। तो आपको बता दें कि इसका मुख्य जो गेट है वो 3 दिया हुआ है। तो जी गाइस, फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद दिल्ली। तो गाइस, आपको तो पता ही होगा कि इसे किसने बनवाया था और ये मस्जिद कब बना था। तो नहीं भी पता है तो आपको बता देते हैं। तो गाइस, इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां बादशाह ने करवाया था, और इसको बनने में कुल 6 साल लगे थे, और लगभग 5,000 कारीगर ने इसमें काम किया था। देख सकते हो ये जामा मस्जिद का फ्रंट लुक है, और आपको बता दें कि इस जामा मस्जिद में टोटल 11 मेहराब दिए हुए हैं, और मुख्य 3 गेट है। तो ये जब जामा मस्जिद में आप इन करोगे, तो आपको सबसे सेंटर पॉइंट में आपको ये एक पॉन्ड मिलेगा, जो कि वजू करने के लिए इसे बनाया जाएगा। जैसे आपको बता दें कि नमाज पढ़ने से पहले वजू बनाया जाता है, आप देख पा रहे होगे साफ पानी है, और साफ पानी से ही वजू किया जाता है। तो जी, फिलहाल अभी हम हैं वजू खाना के पास, और मेरे पीछे में आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कवर्ड किया गया है इस जगह को। तो इसका इतिहास थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जब बादशाह शाहजहां ने ख्वाब में देखा कि यहाँ पे हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे वजू किया था, तो वो लाल किले में रहते थे, और लाल किला से जब वो चलकर यहाँ आए तो काफ़ी देर हो चुका था लाल किला से आने में। तो जब यहाँ पर आया कि वजू कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर पानी निकलने के लिए जगह बनाई गई है, तो यहाँ पर पानी मतलब बह रहा था। तो उस दौरान से ये सपना सच था, ये ख्वाब सच था, और यहाँ के लोगों ने इस चीज़ को कवर कर दिया है। तो जी, आप सबको दिखता होगा कि हर मेहराब पे आप देखोगे तो अरबिक में बहुत सारी आयतें लिखी गई है, और जगह जगह पे गाइस आपको बता दें कि बोर्ड लगाया गया है जामा मस्जिद में म्यूजिक के साथ वीडियो बनाना सख्त मना है। तो जी, जब जामा मस्जिद बनाना था, तो बादशाह शाहजहां के मन में ये ख्याल आया था कि जब मस्जिद बनाना है तो आप
तो जी जब जमा मस्जिद बनाना था तो बादशाह शाहजहां के मन में ख्याल आया कि जब मस्जिद बनानी है तो वो कुछ ऊपर के हिस्से में बनाया जाए, जिस कारण आप देख पाओगे कि यहाँ से जब मीनार पर से आप देखोगे तो लाल किला आपको काफ़ी नीचे में दिखाई देगा। तो ऊपर से अगर आप देखोगे तो लाल किला काफ़ी नीचे में दिखाई देगा। तो उनका मानना था कि मस्जिद इबादत का जगह है तो उसको कुछ हाइट पे बनाया जाए, इसलिए जामा मस्जिद को हाइट पे बनाया गया था। और गाइस आप देख पा रहे होगे, ये जो आप पीछे में देख पा रहे हो ये मीनार भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। जी आपको बता दें कि इस जामा मस्जिद में एक बार में लगभग 35,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। तो अभी हम लोग अंदर चलेंगे और आपको दिखाते हैं जामा मस्जिद का बनावट। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ नमाजियों के लिए ये जगह खुला हुआ है, इसके अंदर आप सिर्फ नमाजी ही जा सकते हैं। तो जी आप देख पा रहे होगे कि पूरे मस्जिद में आपको एक भी विंडो और एक भी फैन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का बनावट ही कुछ ऐसा है, बिना फैन और बिना विंडो का बनाया। तो जी सामने में जो वाइट मार्बल का बनाया हुआ है वहाँ पे इमाम साहब नमाज अदा करते हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे खुतबा होता है नमाज से पहले। तो आप देख पा रहे होगे बनावट। तो जी भाई साहब आप बीच में भी वजू कर सकते हो, और इधर आप जब देखोगे गेट नंबर 1 के तरफ तो यहाँ भी वजू का नल वल लगा दिया गया है वजू करने के लिए, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। ये जल्द में लगाया गया है और बाकी ये तो आप जान सकते हो पुराना उसी समय का है। तो जी आप सबको बता दें कि अगर आप बड़ा वाला मीनार को देखोगे तो आपको कुछ निज़ामुद्दीन की याद दिलाती है, हज़रत निज़ामुद्दीन के जो मज़ार शरीफ है बिल्कुल भी उसका भी ऐसा ही मीनार बनाया गया है। तो गाइस आप जामा मस्जिद के स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हो कि 1650 में इसमें हाथ लगा था बनाने में, और 1656 ईस्वी में इसको तैयार किया गया था, और उस वक्त से आप स्ट्रक्चर देख सकते हो जैसे के तैसे खड़ा है, और काफ़ी मजबूत तरीके से इस चीज़ को बनाया गया था जिस कारण अभी तक जैसे के तैसा है। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं वहाँ पर, टिकट लेते हैं और इस मीनार पर चलने का कोशिश करते हैं, और ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं कि कैसा आता है। तो आप यहां पे देख सकते हो मीनार टिकट काउंटर एरो दिया हुआ है इस तरफ का, तो अभी हम लोग वहां चलेंगे। फिलहाल अभी हम लोग टिकट के लिए जा रहे हैं मीनार पे चलने के लिए, और हम लोग दो लोग हैं तो दो टिकट लेंगे। हेलो रिजवान भाई, तो रिजवान भाई टिकट लेंगे, और वहां पे लिखा हुआ है पर पर्सन 50 रुपये चार्ज है। तो टिकट दिखाना, तो आप टिकट देख सकते हो जामा मस्जिद दिल्ली मीनार टिकट 50 रुपये चार्ज है। तो अभी हम लोग चलते हैं, किधर से इसका तो यहाँ पे टिकट चेक कराना है, उसके बाद फिर ऊपर चलना है। तो काफी पतला सीढ़ी है, देखते हैं कितना समय लगता है। आराम से जाइए एकदम। और मिस्टर भाई बढ़िया, सब बढ़िया, चाहिए। तो जी फिलहाल अभी हम लोग कुछ दूर चले हैं, और यहाँ से आप व्यू चेक कर सकते हो, कुछ इस तरह का व्यू आते हैं। तो जी आपको बता दें कि जब आप टिकट लोगे तो आपको गेट नंबर 1 से आपको ऊपर में चलना है, और ऊपर में चलने के बाद कुछ इस तरह का व्यू आएगा। आप देख पा रहे दिल्ली तो बहुत मरतबा है, जामा मस्जिद भी 2-3 मरतबा है, लेकिन जो मीनार पर जा रहे हैं वो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो आप लोग ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। भाई अब चलते हैं हम लोग। तो फिलहाल अभी हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी अंधेरा टाइप से तो नहीं आया है ना मिस्टर भाई? नहीं, ऊपर है, ऊपर अंधेरा है। तो जी फिलहाल टिकट यहाँ पे वापस ले लेंगे चाचा जी, और जूता यहाँ पे, जूता या चप्पल अगर आप लाते हो तो यहाँ पे जमा कर देंगे। तो बहुत लोग आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं भाई लोग आप सब? पंजाब से आए हैं भाई लोग। तो अभी हम लोग चलते हैं इस वाले रास्ते से और ऊपर चलना है। आप देख पा रहे काफी ऊंचा मीनार है, और इसीलिए भारत का सबसे ऊंचा मीनार कहा जाता है। तो जी अभी जहाँ से हम लोग इन करने वाले हैं वहां से आपको अंधेरा मिलने वाला है, तो आप देख पा रहे होगे गोल गोल घूम के जाना है। आप देख पा रहे होगे जीना किस तरह का बनाया गया है,
काफी पतला है, फॉर्मल अच्छा है। तो जी ऊपर जाने के लिए जगह जगह पे इस तरह का कुछ रोशनदान खोला गया है, जिस कारण थोड़ा सा रोशनी आ रहा है। तो भाई काफी ऊंचाई है और फिलहाल अभी हम लोग आधा रास्ता चले हैं और आप देख पा रहोगे कुछ इस तरह का व्यू आ रहे हैं देखने को। तो भाई यहाँ पे आपको सेफ्टी से चढ़ना है क्योंकि काफी पतला जीना है और एक बार में एक लोग ही जा सकते हैं इधर से, लेकिन अभी कुछ लोग ऊपर से उतर रहे हैं जिस कारण थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो जी फिलहाल हम लोग अभी पहुंच चुके हैं भारत के सबसे ऊंची मीनार पे और गाइस आप देख पा रहे हो व्यू काफी लाजवाब आ रहा है, गजब पा रहे हो व्यू, गजब का व्यू आ रहा है। और इसी को देखने के लिए हम लोगों ने 50 रुपए का टिकट लिया है। तो जी फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भारत की सबसे ऊंची मीनार जामा मस्जिद की मीनार और आप देख सकते हो मेरे पीछे में किस तरह का व्यू आ रहा है और बहुत सारे भाई लोग और कुछ लेडीज भी आए हुए हैं। तो आप देख पा रहे होगे काफी मस्त व्यू आ रहा है और काफी अच्छी हवाएं भी आ रही है इस जाली से। कहाँ से आए भी आप? यूपी से आए हुए हैं। क्या नाम हुआ? मुकीम, काफी अच्छा नाम है। तो जी भाई आप सबसे एक बात बता देते हैं, अगर आप गर्मियों के दिन में आते हैं तो एक बोतल पानी आपको जरूर लाना है क्योंकि काफी ऊंचा सीढ़ी है और गर्मी के टाइम में आप थक जाओगे। आपको जामा मस्जिद का व्यू दिखा रहे हैं ऊपर से जो कि कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है और सामने का मीनार दिख रहा है। आप देख सकते हैं कितना पतला रास्ता दिया हुआ है, इसी रास्ते से आपको ऊपर आना है और इधर आपको मेन मीनार देखने को मिलेगा और यहाँ से आप पूरे जामा मस्जिद देख सकते हो, पूरा पुरानी दिल्ली देख सकते हो। वहां पे आपको दिखता होगा वजू बनाने के लिए जो अभी पॉइंट दिखाए थे आपको, मीनार सबसे ऊंची मीनार वो है और उसके सामने वाले पे हम लोग ने अभी चढ़ा है। तो आप व्यू चेक करो, काफी लाजवाब व्यू आ रहा है और हवा तो कहने ही नहीं है, काफी मस्त हवा आ रही है ठंडी ठंडी। तो जी गाइज यहाँ से आपको सामने में लाल किला दिखता होगा, कितना नीचे में है वो भी आप देख सकते हो और पूरा लाल किला का व्यू यहाँ से आपको मिल रहा है। ले लो ना मैं भी। हाँ आप भी आ गए हैं ब्लॉग में, हाँ यूट्यूब पे आप आ जाओगे जी सारे लोग। ये था बहुत ही पुराना ऐतिहासिक मस्जिद जामा मस्जिद का ब्लॉग, कैसा लगा आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नया ठिकाना को। और गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप सबसे दूसरे लोकेशन दूसरी जगह पे, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।